महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं, आपको एक ब्रॉड विज्ञान देते हैं, आपको एक ब्रॉड ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति से आपको रियलिटी का पता चलता है, आपको सार्वभौम सत्य मिलता है, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है। और एक बार जब यूनिवर्सल ट्रुथ की प्राप्ति हो जाती है तो अल्टीमेटली उस रियलिटी के तहत जो है हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है और उसकी प्राप्ति करना हमारा ध्येय बन जाता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह है कुदरत। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कुदरत। एक बहुत ही विशाल चीज है जिस पृथ्वी, ऐसा बताया जाता है कि जो जीवन है वो पृथ्वी पर भी है। अभी दूसरे ग्रहों पर खोज हो रही है लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है कि दूसरे जितने भी ग्रह है, नियारिका है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल ग्रह है, उस पर किसी पर भी जीवन नहीं है। जीवन केवल पृथ्वी पर ही है और जिसमें जीवन नहीं होता है वह अलोक कहलाता है। वो केवल एक द्रव्य होता है अलोक, लेकिन जहाँ जीवन होता है वहाँ पे छह द्रव्य होते हैं। कौन से? जड़, चेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन छह तत्वों से कुदरती रचना बनती है और उसका एक अलग से कानून होता है, अलग अलग विषय है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कुदरत की बात कर रहे हैं। कुदरत को कहते हैं पर्यावरण, सृष्टि, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, वर्ल्ड, दुनिया। इसके बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें हमारा जीवन है, जिसमें हम जी रहे हैं। हम कुल 84 लाख उत्पत्ति स्थान हमारे भारतीय ग्रंथों ने बताए। ये तो बर्थ प्लेसेस है जहाँ पे जीवन जन्म लेता है, लेकिन उन जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है। हमारे भारतीय ग्रंथ बताते हैं कि न तो एक भी आत्मा घटती है, न एक भी बढ़ती है। और दूसरा जो तत्व जो है, जड़ तत्व है जिससे सृष्टि बनी हुई है, वो जड़ तत्व का एक भी छोटा से छोटा जो पार्ट जिसको परमाणु कहता है, कहा जाता है, न तो एक भी परमाणु घटता है न बढ़ता है। ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनका रूपांतरण होता है। ये जो है, जो कैसे रूपांतरण होता है कि जैसे देखिए जड़ तत्व का ठोस होता है वो द्रव में बदलता है, द्रव है गैस में बदलता है, गैस वो वाइब्रेशंस में बदलती है। और सारी कुदरत है ये वाइब्रेशन से बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है एक भी परिंदा भी इस कुदरत के अंदर पर मारता है तो पूरी कुदरत है वो प्रभावित होती है और हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है जिसके अंदर 110 देश लोग आते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये जो है वसुधा है और इसको हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। हम एक पृथ्वी माँ की कुदरत की सब संतान हैं, एक वासुदेव की संतान है। उससे मनुष्यों के बीच में भाईचारा आया, मनुष्यों के बीच में भातृत्व आया, सहानुभूति आई, परस्परोग्रो जीवा नाम आया, लिव एंड लेट अदर्स लिव की जो है धारणा बनी, हमारे संवेदनशीलता बनी। तो ये जो मूल्य है वह हमारे इस कुदरत के कारण वो मूल्य पैदा हुए।
ऐसी सृष्टि है हमारी जिसमें जड़ और चेतन दोनों होते हैं। चेतन तत्व और जड़ तत्व का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि दोनों मिलकर के ये सृष्टि का, इस कुदरत का जो है निर्माण करते हैं। तो जो जड़ होता है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धर्मा होता है, वह अष्ट स्पर्शी चतुस्पर्शी होता है। उसके जुड़ने और टूटने से हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, जिसको हम पर्याय कहते हैं, जिसको हम मोड कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि किसी भी वस्तु की चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसका अस्तित्व कब है, वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत, सत मन वस्तु। वस्तु का अस्तित्व कब है, जब उसमें पर्याय होता है। पर्याय क्या होता है कि जो उत्पन्न होती है और जिसका नाश होता है, उत्पन्न और नाश होने के बाद वह व्यक्ति वह वस्तु जो है चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो वो द्रव्य रहती है, यानी वह हमेशा रहती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ तो स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए एक महिला है, उस महिला बहुत लंबे समय से जो है वो बैंगल्स पहन रही है, तो वह थोड़ा चेंज चाहती है। ये मानव प्रकृति ये है कि मानव चेंज चाहता है, हर वक्त एक सा खाना, एक सा कपड़ा, एक सा रहन सहन से ऊब जाता है। उस ऊब को दूर करने के लिए वह जो है वो बाहर घूम के आता है, कपड़े बदलता है, भोजन में अलग अलग व्यंजन बनाता है, उससे थोड़ा चेंज आ जाता है। तो प्रकृति का नियम भी क्या है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, ये कुदरत परिवर्तनशील है क्योंकि इसमें पर्याय होता है। हम महिला की बात कर रहे थे तो उन्होंने उस बैंगल्स को तुड़वा दिया, तुड़वा करके अच्छा सा नई डिज़ाइन का नेकलेस बना दिया। देखिए नेकलेस बना ये उत्पाद हुआ और बैंगल्स टूटी ये विनाश हुआ। दोनों स्थिति के अंदर चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो वो सोना है, वो द्रव्य कहलाता है। तो हर स्थिति में सोने को तोड़ के कुछ भी बना सकते हो। हमारा गेहूँ है, इस गेहूँ से हमारा दूध है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक तो गेहूँ ही रहेगा, बेसिक तो दूध ही रहेगा जो कि गौ माता से मिलता है और अनाज हमको किसान पैदा करके देता है। तो भाई और बहनों ये उत्पाद वे, लेकिन वो द्रव्य होती है, वह वस्तु जो स्थाई होती है वह जड़ कहलाती है और चेतन कहलाती है। तो भाई और बहनों हम कुदरत की बात कर रहे थे कि इस कुदरत के अंदर देखिए कुदरत कितना बड़ा काम करती है। कुदरत एक माँ है और सबकी जननी है। तो वो कुदरत क्या कहती है कि 84 लाख जीवा योनि, कौन कौन सी जीवा योनियाँ, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, ये तो 4 गति हो गई। और अगर हम मुक्ति की बात करें तो मोक्ष हो गया, और इसमें भी एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव आते हैं। और 84 लाख का ब्रेकअप आप चाहते हैं वो भी बता देता हूँ। 7 गिनी है आप, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनियों को कुदरत जन्म देती है। और इन सब का जो कुदरत है वो बेसिकली पंचभूतात्मक है। ये चीज समझने की है कि कुदरत केवल 5 भूतों से बनी हुई है। कौन से 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जन्म देती है। इनसे इनका भरण पोषण होता है और वो मनुष्य सहित मन वचन काया की पूरा 80 साल 100 साल जीता है, वो सारा इस 5 जो है भूतों के सहारे जीता है, कर्म करता है। और जब कोई भी जीवित प्राणी
मर जाता है तो मर जाने के बाद में ये पांच भूत निकल करके पांच भूतों में विलीन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ये पंच भूत का पुतला पंच भूतों में विलीन हो गया, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश के अंदर। इस कुदरत की ये जो है सारी प्रणाली है, और कुदरत के लिए आइंस्टीन ने जो है एक आविष्कार करके फार्मूला लगाया, बताया कि E=mc2। ई पूरे कुदरत की एनर्जी है, पूरे कुदरत की शक्ति है। वह जो है एम का मतलब मात्रा, सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में इस कुदरत की जितनी शक्ति है वह शक्ति स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है। कि जो हमारा पानी है उसको 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 जो है जब ठंडा किया जाता है बर्फ़ बन जाता है, पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है, भाप से वाइब्रेशंस होती है और सारी एनर्जी ये कन्वर्ट करके भाप की एनर्जी हो जाती है, कोयले की एनर्जी होता है हो जाती है, और इस तरीके से ये सारा वाइब्रेशन का जगत भी हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है हमारी वेवलेंथ वेव्स फ्रीक्वेंसी और उसके साथ में कॉस थीटा साइन थीटा के माध्यम से जो है ये मोबाइल में आती है, ये हमारा जो है इंटरनेट पे जाती है, यूट्यूब पे जाती है, रेडियो में आती है, टीवी में आती है, ये सारा कन्वर्शन है। तो सारी कुदरत की एनर्जी फिक्स होती है और कुदरत जन्म लेती है, और कुदरत माँ क्या कहती है कि मैंने किसी भी जीवित प्राणी को, छोटा से छोटा वायरस, बड़ा से बड़ा आदमी, किसी को मैंने जन्म लिया है उसके पालन पोषण की मेरी जिम्मेवारी है। और क्योंकि एक राजस्थानी में कहावत है, जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। माँ कहती है कि बच्चे को कोई भी माँ जन्म लेती है तो माँ ये जिम्मेवारी लेती है कि इस बच्चे को पाल पोस करके, बड़ा करके, शादी करके, पैरों पे खड़ा होने तक की माता पिता जिम्मेवारी लेते हैं। तो ये सृष्टि माँ हर प्राणी की जिम्मेवारी लेती है, कुदरत जिम्मेवारी लेती है, और उसके पास में सफिशियंट भंडार है, ये असंख्य अनंत आत्माओं के भरण पोषण का भंडार है। लेकिन अब कुदरत से जुड़ा हुआ सबसे शक्तिशाली जीव मनुष्य को लीजिए। मनुष्य जो है वह इतना अपने आप को अहंकारी हो गया कि वह कहता है कि कुदरत मेरी जेब में है, और इस कुदरत का दोहन करता है। पांचों जो इसके अंग है पृथ्वी का दोहन करके, खड्डा खोद करके, वो 300 फुट 500 फुट 1000 फुट से नीचे जाके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पानी है, अभ्रक है, बोडल है, मिनरल्स निकालता है। और जल का जो है इतना कहना चाहिए ग्रीडी हो गया है व्यक्ति कि जल का प्रदूषण, कितने केमिकल छोड़ता है, कपड़े की इंडस्ट्रीज वगैरह में और भी इंडस्ट्री है जल का प्रदूषण करती है, और बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके वायु का और गैस का जो है वो प्रदूषण करती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबका जो इतना पॉल्यूटेड कर दिया, इसके लिए जिम्मेवार इंसान है। और ऐसा क्यों हो गया कि पृथ्वी माँ ने कहा कि मैं तेरे को नीड पूरी करने की स्वतंत्रता दे करके भेज रहा हूँ, पूरा पालन पोषण करूँगा। और इस कुदरत ने हर प्राणी के जितनी जितनी उसकी जन्म की जो है रहती है उसका एक यूनिबेल्ट सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम भीतर दे करके भेजा है। और माँ ने कहा है कि जो है शरीर जीवनम, तुम 100 साल जियोगे, मनुष्य के लिए कहा है, लेकिन शर्त ये बताई है कि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे और मेरे जो है कि मेरे नियमों की अवहेलना नहीं करोगे। पुराने समय के अंदर इन पांच भूतों की पूजा होती थी, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, नदी नालों को सबको देवता के रूप में पूजा जाता था।
उनको महान शक्तिशाली माना जाता था। वो इन पर वो इंसान पे कृपा करते थे क्योंकि इंसान उसके प्रति बहुत आदर का भाव रखता था। और आज जब पॉल्यूटेड कर दिया, उनको गंदा कर दिया, तो आज ये कोरोना क्यों आया? कोरोना इसीलिए आया कि प्रकृति माँ ने कहा तो मेरी बातों की अवहेलना करती है। जिस हिसाब से मैंने जन्म दे करके तेरे को निर्देश दे करके भेजा, तू पालन नहीं करता है, तू अप्राकृतिक हो गया है। मैं तो कहता हूँ धूप में बैठा कर, तू तो एसी का सेवन करता है। प्रकृति कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जो है सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, इज ए साइन ऑफ द हेल्थ। और ये साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी, ये सब प्राकृतिक नियम है। हम उल्टे चलते हैं। हम रात जो भगवान ने हमको कुदरत माँ ने दी है, रात जो है सोने के लिए दी, विश्राम करने के लिए दी, और दिन है वह खूब काम करने के लिए दी। हम उल्टा करते हैं। हम दिन में सोते हैं और रात में 12-12 1-1 बजे। और जो कुदरत ने कहा कि जब तेरे को भूख लगे तब तुम खाना, और एक मनुष्य को छोड़ करके इस कुदरत के जितने भी पशु पक्षी है, जब उनको भूख नहीं लगती है तब तक वो मुंह में कुछ नहीं डालते हैं। गाय होती है वो क्या है कि उगाली करती है, वो जितना भोजन कर लेती है फिर वो रेस्ट टाइम में उसको बाहर निकाल के पचा देती। कोई भी पशु चाहे शेर भी हो, जब तक वो भूखा नहीं होगा शिकार नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य तो ये है 24 घंटे खाता ही रहता है, भूख हो या न हो, सामने मिर्ची बड़ा या सामने कोफ्ता आ गया तो वो उसको खा जाता है। मनपसंद चीज आई रात की 12 बजो 2 बजो, वो उसको खाता ही रहता है। उसके लिए वो कोई नियम का पालन नहीं, वो अप्राकृतिक हो गया। और माँ ने जब यूनिबिल्ड सिस्टम बना के भेजा तो ह्यूमन सिस्टम में क्या है कि हमारे जो है WBC, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये सोल्जर्स है, इनकी उम्र बहुत कम होती है। हर क्षण हमारे यहाँ हजारों लाखों नई पुरानी मरती और नई कोशिका जन्म लेती है, सोल्जर्स होते हैं। ये कोरोना जैसे प्राणी को जब मालूम पड़ गया कि कोई भी जो बैड एलिमेंट भीतर आ गया है और जो टॉक्सिक जो है चीज़ भीतर आ गई, वो उसकी पहचान करके उस पर झपटते हैं और झपट करके उसको मार देते हैं। तो ये कोरोना इसीलिए आया कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो घट गई। तो ये प्रभावित किसको करता है? पॉजिटिव कौन आता है? जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और ये ख़ास तौर से हमारा श्वसन तंत्र को सबसे पहले बर्बाद करता है, श्वास नली को, फेफड़ों को चाट जाता है। और जब श्वास ही नहीं ले पाते हैं तो दूसरे अवयव हमारे हार्ट है, किडनी है, वो फेल हो जाते हैं। कि वो सांसा जब तक आसा, सांस चलती जब आस रहती जिंदा है, और श्वास छूट गई तो फिर वो राम नाम सत हो जाता है। डॉक्टर बोल देता नाउ इज बैड डेड बिकॉज, क्योंकि ये सांस नहीं ले रहा है। तो भाई और बहनों, इतनी बड़ी कुदरत की रचना है, तो अब प्रश्न ये है कि हम कुदरत को समझने के लिए क्या करें? कुदरत को समझने के लिए उसकी रचना को समझो, उसके कानून को समझो और कानून का पालन करो। आज ये हमारे जितने भी बाह्य जगत के अंदर जितने भी कोर्ट बने हुए हैं, मुंसिफ कोर्ट है, CJM है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये किसके लिए है? ये न्याय के लिए है कि व्यक्ति को न्याय मिले। कोई व्यक्ति पर अन्याय होता है तो वो गुहार करता है इन कोर्ट के अंदर जा कर के न्याय की। तो ये जो हमारा कुदरत का कानून भी यही कहता है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको दुख मिलेगा। और हमारी ये कुदरत माँ कहती है टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो ही आप जैसा करोगे वैसा का वैसा आपको फल मिलेगा। कुदरत का कानून क्या है कि कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है, जब वो कारण घटित होता है। तो भाई और बहनों, ये जो
कुदरत की जो हम बात कहते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, कुदरत है, ये सार्वभौम सत्य है। उसको जब कुदरत को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, उसके बाद कुछ भी समझना शेष नहीं है, क्योंकि सबका आश्रय देने वाली वो एक ही कुदरत है हर जीवित प्राणी को। और कुदरत जो है जिसको जन्म देती है, तो हर प्राणी जो है जन्म लेने वाला प्राणी है वह जीवित रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और कोई भी दुख नहीं चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। और कुदरत तो वो न्याय करती है कि सुख और दुख तो उसके कृत कर्मों के अनुसार है। कुदरत का यही काम है कि निमित्त जुटा देना। अगर आपने पिछले जन्म में किसी के पैसे खाए हैं तो इस जन्म के अंदर जो खाने का जो आपने प्रतिष्ठा की थी वो प्रतिष्ठा द्रव्य कर्म रूप के अंदर इस समय में उदय में आएगी। और कुदरत क्या करेगी, जिसके पैसे खाए हैं उसको निमित्त रूप के आपके सामने ला करके खड़ा कर देगी, और वह आपसे ब्याज सहित पैसे मांगेगा। अब आपको पता नहीं है पिछले जन्म में करने वाला कोई था, इस जन्म में भुगतने वाला, जैसे मैं सोहन राज हूँ तो पिछले जन्म के अंदर मैं मोहन राज था, मोहन राज ने जैसा क्वेश्चन हल किया उसका रिजल्ट सोहन राज को मिलेगा, मोहन राज ने जैसे जैसे भाव किए, जैसे जैसे प्रतिष्ठा की, वो भाव है वो आज द्रव्य कर्म के रूप में सोहन राज भुगतेगा। जैसा उसने चार्ज किया है वो डिस्चार्ज ये भुगत रहा है, और जैसा अब यहाँ पे ये सोहन राज भाव कर रहा है अगले जन्म में वो यशवंत राज जाके जो बनेगा, और वह यशवंत राज उसको द्रव्य कर्म के रूप में वह उसको जो है प्रारब्ध और जो उदय के रूप में पुण्य पाप के रूप में भुगतेगा। तो देखिए करने वाला कोई है, भुगतने वाला कोई है, लेकिन भुगताने वाला तीनों के तीनों कालों के अंदर तीन व्यक्ति अलग अलग आए, लेकिन आत्मा तो कॉमन है, जीव तो कॉमन है, ये जीव कभी नहीं बदलता है, ये कुदरत का कानून है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा चेतन तत्व हर समय के अंदर एक सा रहता है, जैसा वो है वो हमेशा एक सा रहता है। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए, ये दृष्टि विज्ञान है, ये आपको जैसी 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 दृष्टि वैसी सृष्टि करके देता है, जैसा आपका चिंतन होगा वैसा ही आपको जो है सुख और दुख मिलेगा। तो आप इस दृष्टि विज्ञान को समझिए, आप कुदरत कुदरत कृष्णा कुदरत के कानून को समझिए, और अपने जीवन को अच्छा जीवन बनाइए, रियलिटी को प्राप्त कीजिए, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।